नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको पता है, कल शुक्रवार यानी कि 10 सितंबर गणेश चतुर्थी है। इस दिन हम भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो ऐसा कौन सा शुभ मुहूर्त है जिस मुहूर्त में अगर आप भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ हो सकता है। और साथ ही मैं कुछ उपाय और दान भी आपको बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपनी जो समृद्धि है, आप अपनी जो किस्मत है उसको चमका सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो चतुर्थी है वो तिथि कब से कब तक रहने वाली है। तो जो चतुर्थी तिथि है वो 9 तारीख को यानी आज 9 तारीख को रात को 12:17 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि दूसरे दिन यानी कि 10 तारीख को 10 बजे तक रहेगी। 10 तारीख को 10 बजे रात तक रहेगी और चालू कब होगी? आज यानी कि 9 तारीख को रात को 12:17 से शुरू हो जाएगी और दूसरे दिन यानी कि 10 तारीख को रात को 10 बजे तक रहेगी। इस बीच में चतुर्थी तिथि रहेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्थापना है, जो मूर्ति की आप स्थापना करते हो उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, शुभ मुहूर्त बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। तो जो पहला शुभ मुहूर्त है वो है 11:31 से 1:48 तक। सुबह 11:31 से दोपहर 1:48 तक जो मुहूर्त है वो वृश्चिक लग्न का मुहूर्त है, वो भी श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। ठीक है, ये पहला मुहूर्त हो गया। अब मैं दूसरा मुहूर्त बताता हूँ जो कि सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त है, जिसको हम अभिजीत मुहूर्त के नाम से जानते हैं। वो जो मुहूर्त है दोपहर 12:10 से 1 बजे तक रहेगा। 12:10 से 1 बजे तक का जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है और वो सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। लेकिन मान लीजिए इन दोनों मुहूर्त में आपके पास टाइम नहीं है तो आप चौघड़िया देखकर भी भगवान गणेश की स्थापना कर सकते हो। अब वो चौघड़िया कौन कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला चौघड़िया है, अच्छा चौघड़िया जिसको हम बोलते हैं, वो है सुबह 9 बजे से 10:30 तक, यानी कि 1.5 घंटे का जो समय है वो एक समय है जिसपे आप स्थापना कर सकते हो। दूसरा जो समय है वो है दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का। इस बीच में आप कभी भी मूर्ति की स्थापना कर सकते हो। चलिए मैं दान के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जैसा बोला गया है, जैसे लिखा गया है कि हर त्यौहार के पीछे, हर कोई एक जो व्रत त्यौहार कुछ भी होते हैं उसके पीछे दान का बहुत महत्व है। तो अगर इन 10 दिनों में अगर आप तिल, नींबू और केले का दान करते हो तो ये आपकी उन्नति के लिए और आपकी धन धान्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और आपकी तरक्की के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, अगर इन 10 दिनों में आप इन चीज़ों का दान करते हो तो। साथ ही अगर आप खट्टी मीठी टाफियां जो है छोटे बच्चों को या कन्याओं को दान करते हो तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब जानते हैं हम कौन से मंत्र ऐसे हैं जिसको इस ड्यूरेशन में यानी पूरे जो गणेश जी जब बैठते हैं तो उस पूरी 10 दिनों के अंदर कौन से ऐसे मंत्र हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका अगर आप पाठ करते हो तो वो भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है या उतनी ही फायदेमंद है जितने की दान है। तो इस ड्यूरेशन में आप गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हो, साथ ही आप श्री गणेश अथर्व शीर्ष जो आता है उसका आप पाठ कर सकते हो नियमित रूप से सुबह शाम, और एक होता है श्री गणेश स्त्रोत। इन तीनों में से कोई सा भी, या अगर आपके पास टाइम हो तो तीनों ही त्रिसंध्या वैसे बोला जाता है, इनको 3 संध्या 3 बार करना रहता है, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिले तो कम से कम एक बार जब भी आप पूजा करें उस समय इनका जरूर पाठ करें। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।